हेलो दोस्तों, मार्केट में एक बहुत जबरदस्त यहाँ पर गिरावट होती हुई नजर आई है, जो कि आप देख सकते हैं। उसी चीज से रिलेटेड आज बातें करेंगे, क्योंकि कुछ चीजें यहाँ पर बहुत ज्यादा बिगड़ती हुई नजर आ रही है। एग्जैक्टली क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ओके, किसके लिए कैसी राय रहेगी, वो देने की कोशिश करूंगा। तो लास्ट तक वीडियो में बने रहिएगा, ताकि इस तरीके के वीडियो यहाँ पर आपको मिलते रहे। बाइंग सेलिंग की रिकमेंडेशन बिल्कुल नहीं है, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर खुद की स्टडी करना है, और याद रखिएगा सीखने की कोशिश करना। और सीखने के लिए क्या है, आप हमारे वीडियोज जाके देखिए, जितने वीडियोज जाके देखेंगे उतना ज्यादा आपकी हेल्प होती हुई नजर आएगी। साथ में आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को हिट करिए, ऑल के नोटिफिकेशन को ऑन करें। बाइंग सेलिंग की कोई रिकमेंडेशन नहीं है, चीजों को सीखने के लिए एक तो ये है। दूसरा, आप हमारे कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं, यहाँ पर बेसिक्स टू एडवांस, टेक्निकल रिसर्च फंडामेंटल, कब लेना चाहिए, कब बेचना चाहिए, कब निकल जाना चाहिए, वो सारे के सारे यहाँ आंसर आपको मिलते हुए नजर आएंगे। 25,000 रुपए का कोर्स है, 3 मंथ्स की हैंड होल्डिंग स्ट्रेटेजी, स्टॉक मार्केट ऑनलाइन नोट्स, सब कुछ आपको दिया जाता है। इन नंबरों पर आप क्या कर सकते हैं, हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, और इस कोर्स से रिलेटेड हमें हम जानकारी ले सकते हैं। तो थोड़ा सा वीडियो में आगे बढ़ते हैं और जानते हैं यहाँ पर कि आपको किस तरीके से काम करना है, किस तरीके से काम नहीं करना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर Nifty 50 को देख लेते हैं। देखिए, जब एक अच्छी खासी तेजी हुई और तेजी होने के बाद चीजें यहाँ पर नीचे आती हुई दिखाई दी, और आज एक क्रिटिकल लेवल था, जो कि मैंने आप एक लाइन ड्रॉ कर रखी है, आप यहाँ पर देख सकते हैं, लेवल लगभग 24,700। ठीक है, ये एक मेन क्रिटिकल लेवल था, वो यहाँ पर तोड़ते हुए नजर आया, ठीक है, और उसके नीचे यहाँ पर बंद होता हुआ नजर आया है। लगभग 300 पॉइंट की यहाँ पर आज गिरावट होती हुई नजर आई, 24,472 के आसपास ये बंद होता हुआ नजर आया। और यहाँ पर इसने ये दिखा दिया है कि यहाँ पर जो यहाँ पर बियरिश लोग है, वो यहाँ पर ज्यादा हावी हुए पड़े हैं। अब एग्जैक्टली लेवल यहाँ पर क्या आते हुए दिखाई देंगे, उससे रिलेटेड अगर मैं बात करूँ तो निफ्टी 50 की अगर मैं बात करूँ, तो यहाँ पर से अगर रिवर्स हो जाता है तो वेल एंड गुड, अदरवाइज मुझे यहाँ पर जो दिखाई दे रहा है वो सीधे मुझे दिखाई दे रहा है कि शायद या तो इस रेंज में यहाँ पर आके चीजें मुड़ेगी, जो कि 23,900 के आसपास है, जो कि यहाँ पर से लगभग लगभग 500 पॉइंट, 550 पॉइंट, 600 पॉइंट के आसपास गिरावट दिखाई देती है, ठीक है, जो कि लगभग 2.5% के आसपास होगी। या फिर मुझे लगता है कि यहाँ पर आके तो चीजों को रिवर्स होना ही होना है, क्योंकि 200 DMA के आसपास तो चीजें आके रिवर्स होती होती है। इंडेक्स ज्यादा नहीं गिरा करते, ठीक है, ज्यादा नहीं गिरा करते इन द सेंस वॉट कि क्या पहले गिरावट नहीं हुई है, पहले भी गिरावट हुई है। अगर मैं आपको दिखाऊं तो इस तरह की गिरावट बार बार होती ही रही है, बट जब वो गिरावट हुई है तब कुछ वजह रही है, ठीक है ना, चाहे कोविड रहा हो, चाहे दूसरी कोई अलग वजह रही हो, तब गिरावट, जब नॉर्मल गिरावट और करेक्शन हुआ करती है तो यहाँ पर इतनी गिरावट नहीं हुआ करती, मेरा कहने का मतलब वो है। तो उससे रिलेटेड अगर हम यहाँ पर बातें करें, तो देखिए आप अगर जब से अगर Nifty 50 को देखोगे, तो यहाँ पर चीजें आपको समझ में आएगी कि गिरावट होती रही है, उस टाइम का बाजार और उस टाइम के बाजार में भी थोड़ा बहुत अंतर आया, उस चीज को भी हमें यहाँ पर देखना पड़ेगा। अगर आप पहले देखे तो कभी ये इंडेक्स लगभग लगभग 1200 के आसपास हुआ करता था, वहां से सबसे पहली गिरावट थी, वो 53% के गिरावट थी, ठीक है, और वो गिरावट कितने दिन तक चली, यहाँ पर 1992 से अगर हम यहाँ पर बात करें तो लगभग लगभग 1994, 2 साल तो यहाँ पर, और अगर मैं फ्लैटिश की बात करूँ तो 1992 से लेके आप फ्लैटिश की बात करें 1999, तो आप देखोगे तो लंबे तौर पर तो उस टाइम की मार्केट थोड़ी अलग थी, ठीक है, उस टाइम इस तरह इनफ्लो नहीं था, उस टाइम इतने ज्यादा लोग इन्वेस्टेड नहीं थे स्टॉक मार्केट में, तो वो सारी चीजें हमें इस चीज को सोच के समझ के यहाँ पर काम करना है, ठीक है। और यहाँ पर हम बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हो एक बार कि वो गिरावट यहाँ पर आई थी लगभग लगभग 2000 में, जब यहाँ पर .com बबल आया था, ठीक है, उस टाइम आप देखोगे तब 53% की गिरावट हुई थी। तो ये क्या था, ये एक रीजन की वजह से गिरावट हुई थी, और उसके बाद जब चीजें भागी तो देखिए जैसे जैसे चीजें चेंज हुई, जैसे जैसे यहाँ पर लोग ज्यादा इन्वेस्टेड होना शुरू हुए, जैसे जैसे लोगों को पता चली कि पैसे यहीं से बनेगा, तो उसके बाद यहाँ पर इतने लंबे सेटबैक नहीं आए कि 7-7 साल तक चीजें एक साइड में चलती रहे। फिर यहाँ पर क्या था कि 2000 से लेके केवल और 2003, यहाँ पर 3 साल लिए, और 3 साल के अंदर अंदर जो मार्केट है, जो यहाँ पर 53% गिरी थी, वो 53 क्या उससे ज्यादा यहाँ पर बढ़ती हुई नजर आई। जो अपने बॉटम से अगर हम बात करें, तो अपने बॉटम से तो ये मार्केट और बहुत ज्यादा यहाँ पर बढ़ती हुई नजर आई। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो लगभग 648% भागती हुई नजर आई। इंडेक्स की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है, मैं अभी स्टॉक स्पेसिफिक की बात नहीं कर रहा हूँ,
जब इतना भागा है तो स्टॉक्स तो लगभग लगभग 1,000, 2,000, 3,000, 4,000% तक भी यहाँ पर भागे होंगे, आई एम प्रेटी श्योर रिगार्डिंग दिस, है ना। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं फिर एक गिरावट यहाँ पर आई, जब यहाँ पर गिरावट आई ठीक है, जब तेजी होती है ना तब गिरावट आती है ठीक है कुछ टाइम के लिए। तो ये गिरावट आप देखोगे 2008 से लेके ठीक है लगभग लगभग 2008 में ही, अगर ये आप देखोगे दो दो तीन महीने की गिरावट थी, 2-3 महीने में अगर इंडेक्स देखोगे तो ये लगातार गिरता रहा। और इसके पीछे भी अगर वजह की बात करें तो यहाँ पर भी वजह एक थी, आप यहाँ पर देखोगे तो लेमन्स ब्रदर क्राइसिस हुआ था ठीक है, सबको ही पता है 64% की उस टाइम गिरावट हुई थी। और बट जब चीजें रिकवर हुई ठीक है, अगर हम यहाँ पर ब्रेक इवन से निकलने की बात करें कि ब्रेक इवन से निकला तो 5 साल लग गए थे इसे ब्रेक इवन से, काफी चीजें नीचे भी आई थी और जो अच्छी चीजें थी वो यहाँ से यहाँ पर आने पर बहुत अच्छे तरीके से भागी भी थी और अच्छे खासे पैसे बने भी थे ठीक है ना। तो उस टाइम में यहाँ पर आप देखोगे तो लगभग लगभग 182% चीजें नीचे आई, और यहाँ पर आने में कितना टाइम लगा उसे भी आप देखो तो इस यहाँ पर आप देखोगे तो ये जो पीरियड है 27 अक्टूबर 2008, और यहाँ से यहाँ तक ब्रेक इवन तक आने में इसे लगा मुश्किल से यहाँ पर आप देखोगे तो 2010 ठीक है, 2008 से 2010 तो लगभग 2 साल लगते हुए नजर आए ठीक है, उसके बाद चीजें रिकवर हो गई। और यहाँ पर फिर भी गिरावट की बात करोगे तो यहाँ पर दोबारा गिरावट देख लो, यहाँ पर भी गिरावट हुई है 29% की। फिर क्या हुआ, अब जैसे जैसे चीजें लोगों को समझ में आया, लोग यहाँ पर समझदार हुए, पैसे ज्यादा आने लग गए, तो मार्केट में लोगों का पार्टिसिपेशन ज्यादा बढ़ने लग गया, तो वो गिरावट धीरे धीरे कम होती नजर आई। और जो बियर मार्केट है ना वो भी यहाँ पर कम होती नजर आई, उनकी ड्यूरेशन कम होती हुई नजर आई, जो यहाँ पर दो दो तीन तीन साल तक एक एक रेंज में चलती थी, 9 साल पहले यहाँ पर आप देखोगे तो 9 साल चली, यहाँ पर देखोगे तो लगभग लगभग यहाँ पर 3-4 साल चलती हुई नजर आई, यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर 3-4 साल चलती हुई नजर आई, 5 साल चलती हुई नजर आई ब्रेक इवन से जब निकला ठीक है। और उसके बाद आप देखोगे बीच में फिर गिरावट हुई, यहाँ पर भी एक गिरावट हुई है ठीक है, यहाँ पर आप देखोगे फिर वो गिरावट क्या छोटी छोटी गिरावट हुई, और उन उधर से उधर तक निकलने में आप देखोगे तो कितना एक एक 1-1.5-2-2 साल यहाँ पर लगे और फिर सीधे ऊपर जाती हुई नजर आई ठीक है। स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन हमेशा अलग अलग तरीके से बनता रहा, और फिर जब 2000 में गिरावट हुई उससे पहले भी आप देखोगे तो देखिए यहाँ पर भी गिरावट हुई है ठीक है, उससे पहले देखोगे तो यहाँ पर देखिए 12% की गिरावट हुई, यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पर 15% की गिरावट हुई, यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पर कोविड की वजह से गिरावट हुई थी, 40% का इंडेक्स यहाँ पर गिरता हुआ नजर आया था, और फिर उसके बाद जब इंडेक्स भागा है तो भी भागा है। और इस भी इस दौरान जब ये चीजें भागी है तो यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर किस चीजें किस तरीके से भागी है, यहाँ पर बहुत बार गिरावट हुई है, इस पर्टिकुलर पीरियड में गिरावट हुई है, इस पर्टिकुलर पीरियड में गिरावट हुई है, यहाँ की भी अगर हम बात करें जो सबसे बड़ी गिरावट थी वो 18% के आसपास की थी ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर आप देखोगे तो भी ये गिरावट थी ठीक है, क्रैश आया क्रैश आया, वो सबके चिल्लाते रहते हैं, जब आ जाता है तब किसी को नहीं पता चलती, और जब नहीं आना होता ना नहीं आता, जब चीजें रिवर्स होनी होती है ना तब हो जाती है, क्या हमारे पास कभी कोई रीजन है, तो वो चीजें आपको समझनी है ठीक है। देखिए यहाँ पर रीजन था, इससे पहले यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर एक रीजन था 2008 के आसपास, 2000 में एक रीजन था ठीक है, तो यहाँ पर रीजन थे, बट क्या अभी कोई पर्टिकुलर रीजन है हमारे पास गिरने का, आपको जस्ट सोचना है और समझना है। और बात रही करेक्शन की, तो 7%, 8%, 10%, 15% की करेक्शन है ना हमेशा होती रही है, बार बार होती रही है, और वो हमेशा होती रहेगी, जब तक आप मार्केट में रहोगे तब तक वो करेक्शन होती रहेगी। अभी भी आप देखोगे तो लगभग 50 DMA EMA का यहाँ पर सपोर्ट ले रखा है इसने ठीक है, यहाँ पर अगर मैं वीकली चार्ट लूँ तो 21 का यहाँ पर एक सपोर्ट नजर आता है जो कि इसने यहाँ पर लेके रख रखा है। तो अभी एग्जैक्टली करना क्या है ठीक है, उससे रिलेटेड हम यहाँ पर एक बार बात कर लेते हैं ठीक है, यहाँ पर हम और अच्छे से समझ लेते हैं। तो यहाँ पर आप देखोगे तो लगभग 7% के आसपास इंडेक्स यहाँ पर गिरा हुआ है ठीक है, और शायद और जिस तरीके से चीजें यहाँ पर गिरी है तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा और जो ये 7% गिरा हुआ है वो शायद 9% तक हो जाए, तो 2%, 2.5% की गिरावट और हो सकती है, उसके बाद मुझे लगता है कि चीजों को रिवर्स होना पड़ेगा। वैल्यूएशन का कंसर्न था, और अगर हम बात करें यहाँ पर इंडेक्स तो केवल 7%, 8%, 9% गिरे हैं, बट शेयर की बात करें तो 20%, 25%, 30% और कोई कोई शेयर 40%, 50% तक यहाँ पर ऊपर से नीचे आ चुके हैं ठीक है, जिसकी हम बात बीच बीच में करते भी रहते हैं, आप हमारे चैनल पर जाओगे तो आपको वो चीजें समझ में आएगी ठीक है। रीजन क्या है, रीजन आप सभी को पता है, सबसे पहला रीजन तो यही है कि FIIs की लगातार यहाँ पर क्या आ रही है, सेलिंग आ रही है। यहाँ पर देखोगे कल तक का आंकड़ा है लगभग 82,480 करोड़ रुपए का यहाँ पर इन्होंने बेच दिया है, इसके अगेंस्ट में 77,402 करोड़ रुपए का यहाँ पर बाइंग हुई है, बट
जो पहले यहाँ पर बैंग हुआ करती थी वो बैंग नहीं हो रही है। वो कैसे बात कर रहा हूँ मैं, तो यहाँ पर देखिए जो पहले भी यहाँ पर बेचा गया है, यहाँ पर देख आप देखोगे ग्रॉस सेल सितंबर में FIS की तरफ से 3,78,000 करोड़ के आसपास का बेचा गया है, ठीक है। बट ओवरऑल हम देखें तो उन्होंने वो पॉजिटिव रहे, ठीक है। बट इसके अगेंस्ट में यहाँ पर अच्छा खासा बाइंग भी हुई है, 30,000 करोड़ की बाइंग हुई है, 50,000 करोड़ की बाइंग हुई है, 23,000 करोड़ की बाइंग हुई है, नेट बाइंग की बात कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो अच्छी खासी यहाँ पर बाइंग होती हुई नजर आई है। बट अभी क्या नजर आता है, अभी बाइंग हो रही है, ऑब्वियसली बात है यहाँ पर बाइंग हो रही है, DIs यहाँ पर लगातार बाइंग कर रही है, बट वो बाइंग उस तरीके से बाइंग नहीं हो रही है जिस तरीके से यहाँ पर सेल हो रही है, ठीक है ना। अच्छा अच्छी खासी बाइंग हो रही है, बट स्टिल यहाँ पर आप देखोगे बहुत बड़े बड़े आंकड़े नजर आते हैं, 5,000, 15,000, 9,000, 8,000, 7,000, 4,000, है ना, इस तरीके से यहाँ पर बेचते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं। इससे पहले अगस्त में भी बेचा गया 20,000 करोड़ का, यहाँ पर बेचा गया ओवरऑल। अभी बात करें तो अभी 80,000 करोड़ के आसपास हम यहाँ पर पहुंच गए हैं, ठीक है। FIS DIs की बात करें, FIS की बात करें मई में, वहां पर भी 42 करोड़, तो अभी ये हाईएस्ट एवर नजर आता है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखोगे तो बहुत ज्यादा बिकवाली होती हुई नजर आई है। आप यहाँ पर अगर मैं कोविड से भी यहाँ पर कंपेयर करूँ तो थोड़ा सा नीचे आ जाते हैं, तो एक बार देख लेते हैं। तो यहाँ पर जब से कोविड आया ना, इतनी बिकवाली नहीं हुई है जितनी बिकवाली आप यहाँ पर आंकड़ा देख पा रहे होंगे, ठीक है। जितनी बिकवाली इस टाइम होती हुई नजर आई, 40,000, 45,000, 50,000, 60,000 करोड़ तक यहाँ पर हमने देखा है। बट इस बार जो हद हुई है वो हद यहाँ पर बहुत ज्यादा है, लगभग 82,000 करोड़ के आसपास की बिकवाली होती हुई नजर आई है, जो कि बहुत ज्यादा बिकवाली है, ठीक है। इस वजह से आप देखोगे आज का आंकड़ा अभी आया नहीं है, जब आएगा तब यहाँ पर समझ में आएगी कि एग्जैक्टली हुआ क्या है। अब क्या है, जब इतनी गिरावट देख ली है, पहले तो हम यहाँ पर सोच रहे थे कि शायद टिक जाएंगे, बट अभी टिकते हुए नजर नहीं आ रहे। अब क्या है, रिटेल इन्वेस्टर जिनका थोड़ा बहुत पैसा बना है वो भी यहाँ पर निकलते हुए नजर आ रहे हैं, एज वेल एज यहाँ पर जो HNIs है जिन्होंने चीजों को नीचे से ऊपर पहुंचाया था वो भी यहाँ पर नजर आ रहे हैं। अब मैं स्मॉल कैप की बात करूंगा क्योंकि हमारे यहाँ स्मॉल कैप से ही हम काम करते हैं, तो यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पर भी एक ब्रेकडाउन था, वो ब्रेकडाउन यहाँ पर आता हुआ नजर आया। बट ये डेली चार्ट है, मैं यहाँ पर 5 मिनट का चार्ट ला रहा हूँ, अगर ये 5 मिनट का चार्ट अगर ऐसा है, ठीक है, तो मुझे लगता है यहाँ से रिवर्सल लग गया, ठीक है। अगर ऐसा हुआ है, क्योंकि मुझे पता नहीं है ऐसा हुआ है कि नहीं, क्योंकि डेली चार्ट अलग दिखा रहा है, ठीक है, डेली चार्ट दिखा रहा है ब्रेकडाउन, बट 5 मिनट का चार्ट, 15 मिनट का चार्ट, 1 घंटे का चार्ट, 20-30 मिनट का चार्ट ये दिखा रहा है कि यहाँ पर से रिवर्सल आ गया है, ठीक है। यहाँ से चीजें अब ऊपर की तरफ जानी चाहिए, अगर चीजें यहाँ से आप देखिए यहाँ से शायद निकलती है, इसे लेवल को ब्रेक करती है, तो शायद सबसे पहले तो 18,223 की तरफ बढ़ेंगे, और अगर 18,223 को हमने क्रॉस कर दिया तो धीरे धीरे हम 18,442, ठीक है, और 18,641 ये पर्टिकुलर लेवल की तरफ बढ़ते हुए नजर आएंगे, अगर 5 मिनट का चार्ट हमें ये बता रहा है। तो एक बार हम इस लाइन के ऊपर आ गए, ठीक है, तो सब कुछ अच्छा होता हुआ शायद नजर आता हुआ नजर आ सकता है। 19,000 के ऊपर आ गए, जो कि 1,000 पॉइंट यहाँ पर है, ठीक है, 4-5% है, तो हम यहाँ पर अच्छे खासे ऊपर आते हुए नजर आएंगे। क्या इस तरह की गिरावट पहले नहीं हुई, तो वो भी आप देख सकते हैं, आज के दिन लगभग 4% इंडेक्स गिरा है। इससे पहले आप इसी महीने में देखेंगे 7 अक्टूबर को, तो लगभग लगभग 3% गिरता हुआ नजर आया, इससे पहले भी गिरा था बट वो रिकवर हो गया। यहाँ पर आप इलेक्शन के टाइम की बात करें 4 जून की, तो वहां पर भी देखिए लगभग लगभग आप इंडेक्स को देखोगे तो इंडेक्स में यहाँ पर भी लगभग 8% की गिरावट थी। इससे पहले भी आप देखोगे जब भी रिवर्सल आया है ना, तो यहाँ पर आपको समझ में आ रहा होगा कि रिवर्सल तभी आया, यहाँ पर देखिए 5% की गिरावट, तभी 5% गिरावट हुई, सब कहने कह दिया कि यहाँ पर क्रैश आ गया, क्रैश आ गया, और जब क्रैश का नाम सुना तो तभी वहां से रिकवरी हुई है। और जब चाहिए 30%, 40%, मैं और काफी लोग कह रहे हैं रिजल्ट बेकार आ रहे हैं, रिजल्ट बेकार आ रहे हैं, रिजल्ट हर बार बेकार आते हैं, और रिजल्ट हर बार अच्छे भी आते हैं, वो अच्छे आपको चूज करने हैं, बेकार आपको निकालने हैं, नेगलेक्ट करने हैं, ठीक है। आपके पास क्या बेकार कंपनी है वो आपको डिसाइड करना है, ठीक है। तो बेकार आ रहे हैं, बेकार आ रहे हैं, वो कहना बिल्कुल भी गलत है, ठीक है। अच्छे भी आ रहे हैं, बेकार भी आ रहे हैं, मैं भी देख रहा हूँ, ओके, और उसकी कोई यहाँ पर कंपैरिजन नहीं है, उसकी मैं यहाँ पर बात भी करूंगा, ठीक है, अभी मैं आपको दिखा भी दूंगा, तो आपको यहाँ पर समझ में आएगा भी कि किसकी मैं बात करूँ। तो यहाँ पर बात करते हैं, तो देखिए सिटी यूनियन बैंक, ठीक है, यहाँ पर एक रिजल्ट आया है, आप देखोगे तो 11-12%, बल्कि यहाँ पर आप देखोगे 173 रुपए तक यहाँ पर ये पहुंचाते हुए नजर आए, अगर हम यहाँ पर से देखे तो शायद यही इसी तरीके से नापा गया, तो 15%, 15% के आसपास ये शेयर भागा था, ठीक है। इससे बढ़िया नंबर मुझे यूनियन बैंक के नजर आए, ठीक है, और उसे यहाँ पर पिटाई की गई,
इससे रिलेटेड आज मैं बात करूंगा, यहाँ पर वीडियो बनाऊंगा यूनियन बैंक से रिलेटेड, देखना ठीक है। इसे इसे की पिटाई की गई, 2% ये शेयर गिराया गया। और ये चीजें आप देखोगे ना, ये अच्छी चीजें जो कि बहुत कम, मतलब बहुत अच्छी, आप देखोगे तो मिट्टी के भाव मिल रही है, 5 के PE पे ये चीजें मिलती हुई नजर आ रही है, 4.5 के PE पे मिलती हुई नजर आ रही है, और 35% गिर रही है। और इसके रिजल्ट देखोगे, माइंड ब्लोइंग रिजल्ट है। इस अगली वीडियो में इसी से रिलेटेड बनाऊंगा, तो हम यहाँ पर बात करेंगे। तो 35% गिरी है, जब ऊपर जाएगी ना तो आपको 35% नहीं मिलेंगे, जब ये चीजें ऊपर जाएगी ना तो आपको यहाँ पर लगभग लगभग 70% के रिटर्न बनते, 53% के रिटर्न आपके बन रहे हैं, ठीक है, 53% के रिटर्न। और ये चीजें ऐसे रुकने नहीं वाली, बहुत अच्छे पैसे बनते हुए नजर आएंगे, तो उससे रिलेटेड भी हम बातें करेंगे। तो ओवरऑल गिरावट बार बार आई है, ये यहाँ पर आप देखोगे, मैं यहाँ पर मंथली चार्ट निकाल रहा हूँ, वीकली चार्ट निकाल रहा हूँ, तो आपको समझ में आएगा कि ये जब से स्मॉल कैप भी बना है, ठीक है, उस टाइम और इस टाइम में थोड़ा सा अंतर है, इस चीज को हमेशा याद रखिएगा। वो अंतर क्या है, वो अंतर सिंपल है कि उस टाइम इनफ्लो ज्यादा नहीं थे, उस टाइम एडुकेटेड ज्यादा पर्सन नहीं थे जो कि यहाँ पर स्टॉक मार्केट में काम करते थे, बट अब बहुत ज्यादा लोग इन स्टॉक मार्केट में काम कर रहे हैं, तो इस चीज को समझ रहे हैं। तो देखिए, 76% की गिरावट हुई थी पहले, यहाँ पर 42% की गिरावट हुई थी, इसके पहले भी आप देखोगे 35%, 30%, ये कोविड में, यहाँ पर आप देखोगे तो कोविड के टाइम पे लगभग लगभग यहाँ पर 65% की गिरावट होती हुई नजर आई थी। फिर आप उससे बाद देखोगे बीच बीच में, तो यहाँ पर आप देखिए लगभग 34% की गिरावट ये है, 16% की गिरावट ये है, 15% की गिरावट ये है, ठीक है। तो गिरावट बीच बीच में आती रहती है, ठीक है, उससे आपको केवल डटे रहना है, आपके पास किस तरीके के स्टॉक्स है आप देख लेना, ठीक है, आपके पास क्या बेकार स्टॉक्स है या अच्छे स्टॉक्स है वो आपको देखना है। अगर आप तो वो देखने में सक्सेसफुल हो गए तो ऑब्वियस ही बात है चीजें यहाँ पर रिवर्स करती आप हुई नजर आएगी, जैसे ही मार्केट रिकवर होगी, ठीक है। लगातार मैं हमेशा कहता हूँ कि कोई भी चीज लगातार ना तो भागती है, ठीक है, बीच बीच में गिरावट हमेशा आती है, उसी तरीके से ना ही कोई चीज लगातार गिरावट होती है, और चीजें हमेशा जब गिरावट होती है तो ऊपर जाने का भी दम उतना ही रखती है। जिन्होंने पैसा निकाला है वो पैसा डालेंगे भी, ठीक है, वैल्यूएशन का कंसर्न FIs को था, वो वैल्यूएशन नीचे आ गई है, ठीक है, बहुत सारे स्टॉक्स है, अगर वो देखेंगे मेहनत करेंगे तो उन्हें बहुत सारे स्टॉक्स यहाँ पर 5-7 के PE पे मिल जाएंगे, और मेहनत नहीं करेंगे तो फिर हम कहने की बात ही क्या है। तो बाइंग सेलिंग की कोई रिकमेंडेशन नहीं है, चीजों को यहाँ पर ध्यान से सोच के समझ के आपको काम करना है। अगर आप निकालते बेचते रहोगे, आप सोचोगे कि मैंने इतना बचा लिया, मैंने उतना बचा लिया, तो जब मार्केट रिवर्स होगी ना तो आप डरोगे, मुझे लगता है यहाँ से यहाँ तक जाएगी ना जब मार्केट, तब आप यहाँ पर भी नहीं ले पाओगे। तो चीजों को समझना है, सोचना है, और मुझे लगता है कि यहाँ से ये रिवर्स आ गया है, ठीक है, यहाँ से चीजें रिवर्स हो जानी चाहिए, एक एक करके, शायद धीरे धीरे करके मार्केट ऊपर जाएगी, और जैसे ही मार्केट ऊपर जाएगी पैसे सबके यहाँ पर बनते हुए नजर आएंगे। जिनका पोर्टफोलियो 5%, 10%, 20%, 30% नीचे है, वो धीरे धीरे करके रिकवर होगा, हो सकता है कि टाइम ले ले, 3 महीने, 6 महीने, 1 साल, 1.5 साल, बट जब पैसे बनेंगे तो इसी तरीके से बनेंगे। और जब आपका पोर्टफोलियो, आपका रिकवरी होगी, तो केवल रिकवरी नहीं होगी, वहां पर 30% जो माइनस में है वो 50% फिर ऊपर भी जाता हुआ नजर आएगा। सो वीडियो अच्छी लगे लाइक कमेंट शेयर, चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को हिट, ऑल पर नोटिफिकेशन को ऑन करना है, हमेशा पॉजिटिव रहना है। 10 भारत की जो स्टोरी है 10-20 साल की है, ठीक है, ये बीच में 10-20 साल में शेयर मार्केट 10% भी गिरेगा, 20% भी गिरेगा, है ना, और 50% भी शायद कभी कभी यहाँ पर कोविड जैसी रीजन आ जाए तो भी गिरेगा, बट जब रिकवर होगा तो वो 100% भी होगा, 200% भी जाएगा, 300% भी जाएगा, पैसे आपके बनेंगे, ठीक है, जो टटर रहेगा उसके बनेंगे, और इस तरीके से बनेंगे कि यहाँ पर जो उसने 4 साल वेट किया उसके इंडेक्स में तो 482% बने, और खुद के अगर स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन रहा होगा तो 1000, 1500, 2000% मैंने देखा है लोगों को जिन्होंने 51, 51, 50, 50 गुना पैसे बनाए हैं इस पर्टिकुलर पीरियड में। जाके कभी बड़े लोगों के पोर्टफोलियो देखना, वजह खेड़िया सर का देखना, यहाँ पर 200 करोड़ का पोर्टफोलियो था, आज 18 करोड़ के पोर्टफोलियो बैठे हैं। तो बाइंग सेलिंग की रिकमेंडेशन नहीं है, वीडियो अच्छी लगे लाइक कमेंट शेयर, चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को हिट करिएगा, कोर्स करना है तो आप हमारे इस नंबर पर नोट करके कोर्स कर सकते हैं, साथ में काम कर सकते हो। सो थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस।